चैनल। दोस्तों मैं हूं निगार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूं कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी होगी और बहुत खुश होगी। गाइस हमारा रंग चाहे जितना ज्यादा गोरा हो, चाहे हम जितने भी ज्यादा गोरे चिट्टे हों, बट होता क्या है कि अगर हम थोड़ी भी देर धूप के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, कहीं बाहर घूमने गए या फिर कोई भी थोड़ा सा काम हम धूप में कर लेते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल टैन हो जाती है और स्किन टैन होने के साथ ही साथ रंगत खो देती है। तो इस तरह का कुछ मेरे भी साथ हुआ है। अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी मम्मा के घर गई थी, वहाँ पे 4-5 दिन रुकी मैं और वहाँ से जब लौटी तो मैंने देखा कि मेरे फुल बॉडी के ऊपर टैनिंग है। मेरे हाथों का रंग भी बिल्कुल ब्लैक पड़ गया था और यहाँ पे गर्दन पे टैनिंग, फेस के ऊपर टैनिंग, क्योंकि हम बाहर घूमने फिरने गए और वहाँ पे हम लोग खूब घूमे टहले और हमने काफ़ी इंजॉय किया। उसके एवज में मुझे क्या मिला, पूरी बॉडी के ऊपर टैनिंग। तो मैंने क्या किया कि जब मैं घर आई तो सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही मैंने अपनी फुल बॉडी की टैनिंग को रिमूव किया। ना सिर्फ मैंने उसे रिमूव किया बल्कि अपने चेहरे के कॉम्प्लेक्शन को और भी ज़्यादा इवेंट किया। किस तरह से किया, इस पैक के जरिए जो मैं आज आपके साथ पैक शेयर कर रही हूँ ना, ये इतना ज़्यादा अमेजिंग है कि ये रिजल्ट तो आपको सिर्फ 20 मिनट में देने वाला है, बट अगर 2 दिन इसका इस्तेमाल आप करती हैं तो 2 दिनों के अंदर इतना कमाल का रिजल्ट आपको मिलेगा। आपकी फुल बॉडी की टैनिंग को रिमूव करेगा, ना सिर्फ ये टैनिंग को रिमूव करेगा बल्कि अगर आपके एज स्पॉट हैं, डार्क स्पॉट हैं, इस तरह के कोई भी निशान है आपके चेहरे पर, तो ये भी खत्म करेगा। ठीक है, आज का वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है और इस टॉपिक को लेकर यानी टैनिंग को रिमूव करने के लिए भी बहुत सारे कॉमेंट आए हुए थे, तो ये वीडियो बहुत बहुत हेल्प करने वाला है मेरी फैमिली के लिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेक श्योर कि मेरी फैमिली ने वीडियो को पहले ही लाइक कर दिया है और चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो विद बेल आइकन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आती हूँ। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि ये फुल बॉडी टैनिंग को रिमूव करने के लिए ये पैक हमें किस तरह से तैयार करना है और किस तरह से लगाना है। तो इस टैन रिमूवल पैक के लिए गाइस जो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है रेड लेंटिन यानी लाल मसूर की दाल। ठीक है, जो कि हम सबके किचन में इजीली मिल जाती है। यहाँ पे मैं आपको आपका डाउट क्लियर करने के लिए दाल भी दिखा रही हूँ। इसको मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया है यानी मैंने इसको ग्राइंड करके बहुत ही फाइन पाउडर इसको बनाकर स्टोर करके रख लिया है। ठीक है, जब भी ज़रूरत पड़े इस तरह का पाउडर आप बना सकती हैं। रेड लेंटिन जो होती है वो आपके चेहरे की जितनी भी टैनिंग है उसको रिमूव करती है और कलर को फेयर करने के लिए रेड लेंटिन बहुत बेमिसाल काम करती है। इसके अंदर स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपके चेहरे के दाग धब्बों को भी ख़त्म करती है। इसके अलावा आपके रंग को फेयर करती है और चेहरे को एक खूबसूरत ग्लो भी देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि 2 टीस्पून भरकर ये रेड लेंटिन पाउडर हमें ले लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है गाइस वो है राइस फ्लोर यानी चावल का आटा। आपके घर में, आपके किचन में जो भी चावल आप इस्तेमाल करती हैं, जिनका भी आप यूज़ करती हैं खाने में, वही चावल आपको ले लेने हैं और इनको आपको ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, जैसे हमने रेड लेंटिन पाउडर बनाया है उसी तरह से आपको राइस को भी ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पे हमने 2 टीस्पून ले लिया है राइस फ्लोर यानी चावल का आटा। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है टोमेटो प्यूरी। यानी यहाँ पे क्या करना है हमको कि टोमेटो जूस ले सकते हैं या फिर टोमेटो को आप पीस कर उसकी प्यूरी फॉर्म में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए थे, मीडियम साइज़ के, छोटे छोटे से थे और उनको मैंने पीस लिया है, प्यूरी जैसा बना लिया। ठीक है, तो यहाँ हमारा पल्प तैयार है टोमेटो का जिसको हम इसी में ऐड करेंगे। 2 टीस्पून आपको ये टोमेटो पल्प ले लेना है गाइस। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून टोमेटो पल्प ऐड कर लिया है गाइस। अब एक छोटा टुकड़ा आपको क्यूक्यूम्बर का ले लेना है यानी खीरे को हम ऐड करने वाले हैं इसमें, खीरे का रस यूज़ करने वाले हैं जो कि आपकी स्किन को ठंडक देता है, आपकी स्किन को ताजगी देता है, उसके साथ ही साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। ठीक है, एक छोटा टुकड़ा हमने ले लिया है, उसको हमने धोकर ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करने के बाद इसका जो रस है वो एक बाउल में कलेक्ट कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 चम्मच यह हमें क्यूक्यूम्बर का जूस मिल गया है गाइस और ये हम इसमें ऐड करने वाले हैं। लगभग 4 टीस्पून क्यूक्यूम्बर का जूस हमें इसमें ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है वो है कर्ड यानी दही, जो कि भरपूर होता है लैक्टिक एसिड से और हमारे चेहरे के दाग धब्बों को ख़त्म करने के साथ ही साथ आपकी स्किन की रंगत चाहे जितनी डल हो चुकी हो, आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, आपका धूप से स्किन बहुत ज़्यादा जल गई है, मुरझा गई है या फिर स्किन के ऊपर टैनिंग की परत जम गई है, तो उसको हटाने के लिए दही बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है वाइल्ड टर्मरिक। यहाँ पे मैं वाइल्ड टर्मरिक यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास वाइल्ड टर्मरिक नहीं है तो सिंपल आप किचन हल्दी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 पिंच ऑफ हम किचन हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 पिंच ऑफ आप वाइल्ड टर्मरिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
अब इसमें लास्ट में जो इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे वो है लेमन जूस। यहाँ पे 1 टीस्पून तकरीबन हमने लेमन जूस की ऐड कर दी है और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके आप देख सकती हैं यहाँ पे हमारा ये पैक बनकर तैयार है, जो कि एक फुल बॉडी वाइटनिंग की तरह हम यूज़ करने वाले हैं। और इसके अलावा हम अपने स्किन की टैनिंग को रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकती हैं, सबसे पहले आप अपने हाथों के ऊपर लगाएं, आप अपने फेस के ऊपर लगाएं, अपने नेक के ऊपर लगाएं, जहाँ पे भी आपकी स्किन टैन हो रखी है, यानी आप अपने बाजुओं के ऊपर, अपने लेग के ऊपर, अपने थाई के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। फुल बॉडी के ऊपर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ये आपकी बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अमेजिंग काम करेगा। आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी टैनिंग है ये उसको रिमूव करेगा गाइज, और उसके साथ ही साथ आपके स्किन टोन को बहुत ज़्यादा इवन और फेयर बनाने वाला है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से मैंने ये पूरा पैक अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लिया है गाइज। नेक को भी मैंने कवर किया है, फेस को भी कवर किया है, और यहाँ तक कि मैंने अपने पूरे हैंड्स के ऊपर भी इसको अप्लाई कर लिया है। लगभग आपको 20 से 25 मिनट तक के लिए इस पैक को यूं ही लगाकर छोड़ देना है। 20 से 25 मिनट बाद जब आप देखेंगी कि ये पैक आपका ड्राई हो गया है, तो आपको एक काम और करना है। बहुत ज़्यादा अगर टैनिंग है तो आप थोड़ा सा दही ले लें, और दही के ज़रिए आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसको अपनी बॉडी के ऊपर से हटाना है। ठीक है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं ना, सर्कुलर मोशन में इस तरह जब मसाज करेंगे तो इससे आपकी स्किन के जितने भी डेड सेल्स हैं वो भी रिमूव होते चले जाएंगे, स्किन का खुरदुरापन भी खत्म होगा, स्किन बहुत ज़्यादा चिकनी और स्मूथ हो जाएगी, और आपकी स्किन की जितनी भी टैनिंग है वो भी रिमूव हो जाएगी। तो एक मिनट के लिए ये काम आपको करना है। अगर आपके फेस और बॉडी पे टैनिंग नहीं है और आप सिर्फ कलर फेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं, तो आप सिर्फ नॉर्मल वाटर से इसको गीला कीजिए, सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए, एंड देन हमें क्या करना है, ठंडे पानी से ही सिर्फ इसको रिमूव कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेरे फेस का कलर देख सकती हैं गाइस, बहुत ज़्यादा ब्राइटन हो गया है, स्किन बहुत ज़्यादा लाइटन आपको दिख रही होगी, चेहरे का ग्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा इसने स्किन को मेरे टाइटन भी कर दिया है, स्किन को फर्म भी किया है, और चिकनापन जो स्किन के ऊपर दिख रहा है, जो एक ग्लो दिख रहा है वो आप देख सकते हैं। मतलब कमाल का मैजिकल इसने रिजल्ट दिया है सिर्फ 2 दिन के अंदर। बहुत बहुत इफेक्टिव ये ट्रीटमेंट है, इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो आपको ये रिजल्ट दिख रहा है ना, सिर्फ एक बार का है गाइज। इसको आप दिन भर में 2 बार इस्तेमाल करें, एक बार मॉर्निंग में कर ले, एक बार नाइट टाइम में कर ले, जब आप सोने चलती हैं बिस्तर पे, यानी जब आपका बेड टाइम होता है उससे आधे घंटे पहले ये ट्रीटमेंट आप कर ले। इस पैक को ना आप बनाकर स्टोर करके 3 से 4 दिनों के लिए फ्रिज में रख सकती हैं। विदाउट फ्रिज ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप इसको स्टोर कर सकें। आप लोग काफ़ी बार पूछते हो तो इसलिए मैंने बता दिया आपको कि इसको आपको सिर्फ फ्रिज में ही स्टोर करके रखना है, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े इस तरह से इस पैक को बनाइए और इसको लगाइए। आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो माइंड ब्लोइंग आपको रिजल्ट मिलेगा, स्किन की टैनिंग बिल्कुल रिमूव हो जाएगी आपकी, और चेहरे का जो कलर है वो एकदम खिल उठेगा। गाइस, आपने कितने सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ ये हमने पैक जो बनाया था, इसने किस तरह से मेरी बॉडी की टैनिंग को रिमूव किया है, और कितना ज़बरदस्त अमेजिंग इसने रिजल्ट दिया है। ठीक है, सारी चीज़ें आपके घर में, आपके किचन में मौजूद हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपके घर में ना हो। ठीक है, इसको जल्दी से ट्राई कीजिएगा और इसको ज़रूर लगाइएगा, और इसके रिजल्ट्स मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक का, आपके रिजल्ट्स का और आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हमेशा मैं आपके कमेंट को बहुत अच्छी तरह से रीड करती हूँ, उसके बाद आपको उसका रिप्लाई भी करती हूँ। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, nigarfatima17 मेरी ईमेल आईडी है, वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चन और क्वेरीज को मेरे साथ शेयर करें। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी इंस्टाग्राम आईडी लिंक दे दिया है गाइज, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें बिना ना जाइएगा। जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, प्लीज़ मेरे वीडियोस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ज़बरदस्त कंटेंट के साथ, बट उससे पहले अगर चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके ऑल पे कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो मैं अपने चैनल पर आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ज़बरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।